नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा SBI की नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और SBI नेट बैंकिंग टाइप कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं भी टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेज दिख जाएगा, पर्सनल बैंकिंग, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर नेम, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया है तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने पर होम पेज कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर लेफ्ट की तरफ देखिए, आपको 3 लाइन दिख रही होंगी। ये एक मेन्यू आइकन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, इस वाले आइकन, पहले वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये दूसरी वाली लाइन पर दिख रहा है अकाउंट स्टेटमेंट, पहले में अकाउंट समरी, दूसरे में अकाउंट स्टेटमेंट, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे अभी यहाँ पर शुरू में लोन अकाउंट आ रहे हैं, तो लोन अकाउंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो लोन की स्टेटमेंट निकलेगी। हमें लोन की स्टेटमेंट नहीं, हमें अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं जो सेविंग अकाउंट आ रहा है इसके आगे जो रेडियो बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर बाई डेट चाहिए, बाई मंथ चाहिए, 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर, आप हमेशा बाई डेट ही सेलेक्ट करिए, क्योंकि हमें डेट किस डेट से सेलेक्ट करनी है। अब सेलेक्ट डेट, यहाँ पर देखिए फरवरी का महीना ये है, और आगे की तरफ पीछे की जाने के लिए एक एरो बना हुआ है। इस एरो पर मैं क्लिक करते जाता हूँ स्लोली स्लोली, तो ये एक एक महीने आगे खिसकता जाता है। मैंने एक अगस्त में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, 1 अगस्त 2020, और एंड डेट आज की डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। अब यहाँ पर अब मुझे किस फॉर्म में चाहिए, व्यू करना है, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करना है या डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट, तो डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट वाले आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद गो वाले आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों ये स्टेटमेंट यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, आप एक बार इसको स्क्रॉल डाउन करके आखिर में देख लीजिए इसमें ट्रांजेक्शन पूरी आ रही है या नहीं आ रही। जैसे ये 30 जनवरी के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर पूरी मेरी ट्रांजेक्शन आ रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। SBI रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरी होंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। SBI कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो SBI रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे मैं यहाँ पर अभी अपलोड करता रहूँगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।